कुछ ही दिनों पहले टाइगर श्रॉफ को संजय लीला बंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद ये अफवाहें तेज हो गई है कि बंसाली की अगली फिल्म में टाइगर श्रॉफ को जगह मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले संजय लीला बंसाली की फिल्म के साथ सलमान खान और शाहरुख खान का नाम जोड़ा जा रहा था। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बंसाली अगली फिल्म में किसे जगह देते हैं। टाइगर श्रॉफ की बात करें तो फिलहाल वह करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में नजर आने वाले हैं, जो कि नवंबर में रिलीज होगी। उसके बाद भी टाइगर के पास बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स हैं जो 2020 तक बुक हैं। लिहाजा ऐसे में यदि टाइगर के हाथों बंसाली प्रोजेक्ट भी आ जाती है तो उनके करियर को नया मोड मिल सकता है। पद्मावत की रिलीज के बाद से ही संजय लीला बंसाली की अगली फिल्म की चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों पहले अफवाह उड़ी थी कि सलमान खान के साथ उनकी फिल्म फाइनल हो चुकी है, जो कि 2020 ईद के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल ये सब कोरी अफवाह ही नजर आती है। अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की तो टाइगर श्रॉफ की 3 फिल्में लाइन में हैं। पहली है बागी 3, दूसरी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और तीसरी है रैम्बो। वहीं एक यशराज बैनर्स के तले बनने वाली फिल्म है जिसके अंदर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ आने वाले हैं। तो बैक टू बैक टाइगर श्रॉफ भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि संजय लीला भंसाली कौन सी मूवी में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलेगी सबसे पहले।